हिदायत के भी दर्जे हैं और गुमराही के भी दर्जे हैं आज जब हम जिस दौर में सांस ले रहे हैं जी रहे हैं यह वो दौर है जिसमें हर मजहब की शरीयत करप्शन का शिकार होकर खत्म हो गई तो तुम्हारी गुमराही सौ फीसद हो गई अब एहसान का तुम्हें कोई पता नहीं ईकान क्या है तुम्हें कुछ नहीं पता ईमान क्या है तुम्हें कुछ नहीं पता इस्लाम क्या है तुम्हें कुछ नहीं पता इसलिए इस्लाम में भी शिया वहा बरेलवी बन गए तुम हो मुकम्मल गुमराह सौ तरह की हिदायत है और सौ तरह की गुमराही है जो सौ तरह की हर दर्जे में गुमराह हो वो है दलाल मुबीन कोई इस्लाम में गुमराह है कोई ईमान में गुमराह है कोई ईखान में गुमराह है कोई एहसान में गुमराह है फिर एहसान के 97 सेवन दर्जात हैं बाकी तीन नीचे के ये हैं दिल में नूर आ जाए दिल अल्लाह अल्लाह करने लगे तो अभी हिदायत का सिर्फ एक पर्दा हटा है हाँ, अब तू वन परसेंट आउट ऑफ हंड्रेड परसेंट यू आर ओनली वन परसेंट गाइडेड कल भी ओनली वन परसेंट गायडेड हाँ, हाँ। वरना आप मुझे बताएं, अलिफ लाम मीम फ्लाम मीमिकल किताबुल आर बफी हदल मुत्ती जो जाहरी बात तौर पर पाक हो गया उसको क्या हिदायत मिलेगी इससे मुत्ती को गुमराह समझा तब कहा ना हदल للمتقین तो गुमराह होना कोई बुरी बात नहीं है क्यों नहीं है बुरी बात मैं आपके सामने एक सिनेरियो रखता हूं दो आदमी हैं और उन दो आदमी से एक आदमी कहता है कि यार मैं सरकार गौरशाही से मिलने के लिए कोठरी जा रहा हूं और दूसरा आदमी कहता है मुझे नहीं मिलना मैं घर पर ही हूं अब वो जो बंदा जो जिसने कहा था मैं सरकार गौरशाही का दीदार करने के लिए कोठरी जा रहा हूं वो निकला वहां से फाटक तक आया रास्ता भटक गया इधर उधर घूम रहा है उसे रास्ता नहीं मिल रहा तो इसको कहेंगे गुमराह गुम रा ही इज लॉस्ट ऑन बड़ी बात तो नहीं है इस मसले का हल है पूछो क्या है कोई रास्ता तुझे नहीं मिल रहा किसी से पूछ ले मुत्तकीन ये पाकों को हिदायत करता है यानी पाक जिस रास्ते पर जाना चाह रहे हैं आगे अब पाक तो हो गए अब आगे जाएं क्या उनको रास्ता नहीं मिल रहा ये उनको बताता है कि अब तुमने ये करना है ये हिदायत है बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हकीकत में गुमराह होते हैं तरीक़त में मोमिन होते हैं बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मार्फत के अंदर जो है गुमराह होते हैं लेकिन हकीकत में वो मोमिन हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको दीदार नहीं होता लेकिन अल्लाह से हम कलाम कर लेते हैं तो हिदायत के भी दर्जे हैं और गुमराही के भी दर्जे हैं आज जब हम जिस दौर में सांस ले रहे हैं जी रहे हैं यह वो दौर है जिसमें हर मजहब की शरीयत करप्शन का शिकार होकर खत्म हो गई तो तुम्हारी गुमराही सौ फीसद हो गई अब एहसान का तुम्हें कोई पता नहीं ईकान क्या है तुम्हें कुछ नहीं पता ईमान क्या है तुम्हें कुछ नहीं पता इस्लाम क्या है तुम्हें कुछ नहीं पता इसलिए कि इस्लाम में भी शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी और बरेलवी बन गए तुम हो मुकम्मल गुमराह हिदायत शुरू होगी जब तुम्हारे कल्ब में नूर आ जाएगा अब तुम हिदायत में दाखिल हुए हो मुकम्मल हिदायत नहीं है ये दाखिल हुए हो इसके बाद और भी है सितारों से आगे जहां और भी हैं इसके इम्तिहान अभी और भी हैं बस ये नुक्ता याद रखिएगा आगे चल के काम आएगा कि हिदायत जो है और गुमराही हिदायत है हिदायत देने वाले से राह दिखाने वाले से वो मुर्शिद है और गुमराही मुर्शिद का ना होना है यह मैंने निचोड़ बताया है सौ दर्जों का हिदायत के सौ दर्जे और गुमराही के सौ दर्जे सौ दर्जे हिदायत इधर रखो उसका निचोड़ क्या है मुर्शिद का होना और सौ दर्जे गुमराही मुर्शिद का ना होना अगर मुर्शिद है तो सौ की सौ की हिदायत देता रहेगा मुर्शिद नहीं है तो सौ की सौ गुमराही मिलती रहेंगी और मुर्शिद है और मुर्शिद से रजूरी करते तो फिर लाना था तुम्हारे जिंदगी पर कितने लोग हैं हमारे अपने अंदर ही जाके देखें तो बहुत से लोग आपको दाएं बाएं नजर आएंगे जिनका ज़ाहरी इसबाब पर ज्यादा ईमान है सरकार गौरशाही पर थोड़ा ईमान है पहले जाहिर के इसबाब देखेंगे बाद में सरकार गौरशाही की मदद देखेंगे मोमिन वो है जो आंखें बंद करके पूरा तवक्ल अपने मुर्शद पर करे पूरा तवक्ल कुछ उनकी दस्तरस से बाहर नहीं है Amra TV the place to connect with God.